आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों की सेवा में बिता दिया। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 11 मई को संपूर्ण कलीसिया लकोनी के संत इग्नासियस का पर्व मनाती है। उनका जन्म 10 दिसंबर 1701 को इटली देश के सार्दिनिया शहर में हुआ था। उनके पिता मातिया और उनकी माता अन्ना मरिया थी। बचपन से ही वे अपने पिता के खेत में काम करने जाते थे और उनकी सेहत हमेशा कमजोर रहती थी। इसीलिए एक दिन काम करते समय संत इग्नासियस बीमार हो गए तो उनके पिता ने काफी प्रार्थना की और कहा, अगर मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो मैं इसे फ्रांसिस्कन संघ में भेजूंगा। संत इग्नासियस भले चंगे हो गए लेकिन उनके पिता ने उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। इसीलिए एक दिन संत इग्नासियस के अंदर एक भावना जगी और उन्होंने खुद जाकर फ्रांसिस्कन संघ में एक ले ब्रदर के रूप में प्रवेश लिया। और जब उन्होंने फ्रांसिस्कन संघ में एक ले ब्रदर बनने का निश्चय किया, उनकी सेहत कमजोर होने के कारण उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन संत इग्नासियस ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन की तैयारी की और सन 1722 में उन्होंने अपना प्रथम व्रत ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने 20 साल गरीबों की सेवा में लगा दिए। लकोनी के संत इग्नासियस अपने आध्यात्मिक जीवन में हमेशा बढ़ते रहे। उनके जीवन से जुड़ी एक अनोखी बात है, सन 1741 में जब वे भीख मांगने के लिए लोगों के बीच जाते थे तब वे गरीबों की सेवा करते थे, पीड़ितों और बीमार लोगों की सेवा करते थे और जो भी कुछ उन्हें भीख में मिलता था वे अपने भाइयों के साथ मठ में आकर खा लिया करते थे। वे क्रिस्ती विश्वास को लोगों के बीच पहुंचाते थे और क्रिस्ती विश्वास में लोगों को समझाते थे। उन्हें दिन में प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता था, इसीलिए वे रात में 2 घंटे सोने के बाद प्रार्थना करने बैठ जाते थे। संत इग्नासियस ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों के बीच समर्पित कर दिया। 11 मई 1781 में उनकी मृत्यु हुई और 21 अक्टूबर 1951 में संत पापा पियूस 12वें ने उन्हें संत घोषित किया। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लकोनी के संत इग्नासियस की मध्यस्थता द्वारा सभी गरीब, बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें।